नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो आज की दुख भरी खबर जो है असरकोड़ा पानी से आ रही है, जहां पर एक टाइगो गाड़ी का जो है एक्सीडेंट हो गया है। और इस गाड़ी का नंबर मैं आपको बता दूं, JK14D6808। ये गाड़ी जैसे कोड़ा पानी अस्तर के पास पहुंचती है, वहां नेशनल हाईवे जो जम्मू से किश्तवाड़ की ओर चलता है, वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है। और इसमें जो है दो लोग सवार बताए जा रहे हैं और दोनों जो है जख्मी है, और इनको इलाज के लिए जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो अस्तर में है वहां के लिए भेजा गया है। जो आइडेंटिफिकेशन इन दोनों की हुई है, आशिक हुसैन सना मोहम्मद अमीन यानी शेरी भद्रवा के रहने वाले हैं, और इनके साथ जो है विक्रम सिंह सना मान सिंह, ये जो है जलंधर पंजाब के रहने वाले हैं। और इनकी पोस्टेड जो है अरनोड़ा घाट में है, यानी ये दोनों लोग जो है जैसे कोड़ा पानी असर से इनकी गाड़ी वहां से गुजर रही थी, उसके बाद तुरंत वहां पर एक हादसा हो जाता है, बिल्कुल हाईवे से दूर इनकी गाड़ी चला जाती है। और इस गाड़ी की जब आप हालत देखेंगे, काफी बिगड़ी हुई हालत है। लगातार इस तरह के हादसे, और जिस तरह से आपने पिछले दिनों भी देखा था कि किस तरह से क्रैश बैरियर की जो है चोरियों की जो वारदात हो रही थी, और उसके ऊपर भी किस तरह से पुलिस ने एक FIR भी दर्ज की थी। लेकिन मैंने उस खबर में भी आपको बताया था कि पुलिस ने जो है सिर्फ एक नाम के इंसान के ऊपर FIR दर्ज की है, लेकिन किसी एक इंसान का ये काम नहीं हो सकता। अगर क्रैश बैरियर अगर उन जगहों पे होते तो शायद हो सकता था आज के दिन में जो हादसा हुआ है वो नहीं होता। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये कोड़ा पानी जो यानी बिल्कुल जम्मू से नेशनल हाईवे किश्तवाड़ या डोडा भद्रवा को कनेक्ट करने वाला ये रास्ता है, बिल्कुल कोड़ा पानी अस्तर के पास में वहां पर इसको टाइगो जो गाड़ी है यानी इस गाड़ी का हादसा हो जाता है। और जिस तरह से नंबर इसका प्ले हो रहा है कि JK14D6808 इस गाड़ी का नंबर, और इसमें एक आशिक हुसैन मोहम्मद अमीन शेरी भद्रवा के रहने वाले हैं, और दूसरे जो है विक्रम सिंह सना मान सिंह जो जलंधर पंजाब के रहने वाले हैं, जिनकी पोस्टिंग जो है अरनोड़ा घाट में हुई है। लगातार इस तरह के हादसे काफी देर के बाद आप देखने को फिर से मिले हैं। और हाईवे पे जब भी अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो अपनी स्पीड की लिमिट कम रखें, साथ में इन चीजों का भी ध्यान रखें। और क्योंकि इन जगहों पे खलेनी से बिल्कुल बटोत 9 किलोमीटर के आसपास तक क्रैश बैरियर नेशनल हाईवे द्वारा लगाए गए थे, लेकिन जगह जगह हर हफ्ते जो है गायब दिखता है। लेकिन पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए, जहां पर भी क्रैश बैरियर लगे हुए हैं, उन तमाम क्रैश बैरियर जहां पर भी उखाड़े गए हैं, उन तमाम लोगों को जो है ढूंढना चाहिए कि आकर हाईवे पे क्रैश बैरियर कौन उठाकर ले रहा है, क्योंकि एक इंसान का ये काम नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े होंगे। क्योंकि अगर कोई इंसान क्रैश बैरियर वहां से लेकर आ रहा है, फिर कहां पे रखता है, कि लोगों को सप्लाई करता है, क्योंकि कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये क्रैश बैरियर यहां से ट्रकों में भरकर जम्मू से बाहर भेजे जाते हैं। सोचिए कि जिन लोगों को इस चीज की परवाह नहीं है कि इंसानों की जाने जा रही है, इसी कारण जो है नेशनल हाईवे पे क्रैश बैरियर लगाए जाते हैं। ये तमाम आप भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और इनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल खामोश। कभी ये इस तरह का कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो फिर बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं तमाम, फिर RTO हो, ट्रैफिक पुलिस हो, तमाम नेशनल हाईवे पे चालान करने पहुंच जाते हैं, स्पीड की लिमिट देखी जाती है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, क्योंकि लोग इतने भड़के हुए होते हैं, इनके ऊपर अपना गुस्सा बिल्कुल सोशल मीडिया पर निकालते हैं। इन चीजों का पहले से ध्यान रखिए। अगर क्रैश बैरियर अगर वहां पर होता तो आज हो सकता था ये गाड़ी नीचे नहीं जाती और ये लोग जो है जख्मी नहीं होते। फिलहाल किस कारण ये एक्सीडेंट हुआ है, अभी पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। लोकल लोग वहां पर तुरंत पहुंच गए थे, उसके बाद इन लोगों को रेस्क्यू किया गया और उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो अस्तर है वहां के लिए भेजा गया। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मनहास डोडा।